केदारनाथ आपदा की वो रात, उस रात को जिस समय प्रलय आया था, उस समय एक साधु को भगवान शिव ने दर्शन दिया था और भगवान शिव ने उन साधु को बताया कि इस प्रलय का क्या कारण है, क्यों जो है यह प्रलय केदारनाथ पर आया है। वह ऐसा साधु था जो भगवान शिव ने उनको आकर बताया था, चमत्कारी साधु को। जहाँ पर चारों तरफ ताइमाम मचा हुआ था, वहीं पर इन साधु को आकर भगवान शिव ने दर्शन दिए और इस ताइमाम का कारण बताया कि आखिर क्यों यह ताइमाम आया है। साल 2013, 16 जून 2013 को वह प्रलय की रात जब आप सब लोग सो रहे थे, तब केदारनाथ पर एक ऐसा समय आने वाला था जो वहाँ के लोगों को नहीं पता था, और कुछ ही समय के बाद वहाँ पे भारी बारिश और भारी प्रलय आने का समय बन चुका था। धीरे धीरे प्रलय अपना रूप ले रहा था। वहाँ पर लोगों को यह अंदाज़ा नहीं था कि उनका परिवार कुछ ही क्षणों के बाद तितर बितर होने वाला है, और वह समय ऐसा भी आया कि जब भगवान शिव ने उस साधु को बताया कि यह क्यों प्रलय आया है। तो आइए जानते हैं कि इस वीडियो में कि इस भगवान शिव ने यह प्रलय क्यों लेकर आए थे। वह बाबा करीब 25 सालों से वहीं केदारनाथ में रह रहा था, और उस समय जब प्रलय आने वाला था तो वह बाबा वहीं पर बैठा हुआ था। तो उस बाबा ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने हमें एक भी बार दर्शन नहीं दिया, अंत समय में एक बार आप जरूर दर्शन दें। तब भगवान शिव ने उस बाबा को अपना दर्शन दिखाया और रौद्र रूप भी दिखाया। वह बाबा उस साधु ने वहाँ पर कुछ लोगों को बताया कि यहाँ पर प्रलय आने वाली है, परंतु उस बाबा की कोई बात नहीं सुन रहा था कि यहाँ पर भी ऐसे तो हमेशा प्रलय आती ही रहती है, लेकिन जो प्रलय आने वाली थी उस प्रलय से सभी लोग अनजान थे। सारा दिन सभी लोग वहाँ पर दर्शन कर रहे थे, सभी लोगों का आवागमन चल रहा था और लोग बड़े ही प्रेम के साथ दर्शन कर रहे थे, परंतु कुछ ही समय पे वहाँ पर गर्जना चालू हो गई और लोगों पर वहाँ पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन साधु पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह शांत रहा और उसी समय प्रभु जी से विनती किया कि हे प्रभु, आप हमें अपने पर लीन कर लीजिए। हमारी ये वीडियो कैसी लगी? आपको हम अपने अगले वीडियो पे बताते हैं कि शिव प्रलय क्यों हुआ था। ये हमारे वीडियो पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।